आई वॉज डायग्नोज विद थ्रॉट कैंसर। मेरे ये डॉग्स का बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक बीमारी थी जब जिसमें डॉक्टर हमेशा एक ही बात बोला करते थे कि इलाज से ज्यादा विल पावर होनी चाहिए, विल पावर, और ये विल पावर लेके आने वाले मेरे डॉग्स ही थे। ये कितनी क्यूरोसिटी, इतना प्यार और इतना डॉग्स के साथ अटैचमेंट थी कि इन्होंने मुझे 13 दिन के अंदर मजबूर कर दिया खड़ा होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, संजय एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सभी भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज मैं आ गया हूं नीलो खेरी हरियाणा, मिस्टर पोस्ट कैनल, जिसके ओनर है कुणाल भाई, जो पिछले काफी टाइम से इस कैनल को रन कर रहे हैं। इनके पास बहुत शानदार डॉग्स हैं और यहाँ पे 90% जो डॉग्स हैं इनके पास वो इम्पोर्ट हैं। इनके पास अभी लैब्राडोर्स हैं, रॉटवाइलर में इनका काफी अच्छा नाम है, इनके पास बीगल भी हैं और डोबरमैन भी इनके पास है। और दोस्तों, ये कैनल जो फुल्ली एयर कंडीशनड है, हर डॉग का अपना पर्सनल स्पेस है। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इस कैनल को मैनेज किया जा रहा है। आज मैं आपको इस कैनल का पूरा टूर करके दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा आपको इस कैनल के ओनर से और दिखाऊंगा इनके शानदार डॉग्स। नमस्कार भैया, वेलकम पारस, बहुत बहुत वेलकम है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये माइक लगा लीजिए कॉलर पे। आज आपके कैनल पर आए हैं, मिस्टर बॉस कैनल पर, वेलकम। और थोड़ा सा इस कैनल के बारे में जानना चाहेंगे और टूर भी करा के दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव कैनल है और काफी अच्छा आपका नाम सुना है और काफी अच्छे आपके इम्पोर्ट डॉग्स हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। तो मेरा नाम कुणाल चोपड़ा है जी, मिस्टर पॉस कैनल का सिंगल ऑनर रूम है जी जी। और मेरे पास इम्पोर्ट डॉग्स हैं, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर जी जी। और इस टाइम इंडिया का मोस्ट विनिंग रॉटवाइलर डेम्बो लाडोविक मेरे पास ही है जी जी जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मल्टी बेस्टिंग शो है वो। लैब मेरे पास पोलैंड इंपोर्ट है, ब्लैक जर्मन शेफर्ड इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूसरी ब्लैक जर्मन शेफर्ड जो इंपोर्ट आया था वो मैं लेके आया था पोलैंड सबसे पहले, मैं लेके आया था। अब तो खैर बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे इस डॉग गेम में है कितने साल से हैं आप? जो 12-13 साल हो गए। तो ये क्या शौक था या फिर कुछ? ये शौक था और आज भी वही शौक ही है जी जी। शौक से ऊपर बढ़कर तो ये कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा अर्निंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस इसको बनाया हुआ, क्योंकि इतने सारे इंपोर्ट डॉग्स रखना जी जी। इतने बैक टू बैक इंपोर्ट करना, उनको मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। प्रॉफिटेबल आपको क्या है, बहुत सारी फीमेल्स रखनी है। मेरे पास बहुत सिलेक्टेड डॉग्स हैं, सिलेक्टेड फीमेल्स हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सब कैनल के अंदर। जब हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे को लगता है ये पहले पोल्ट्री फार्म था आपका? हाँ, ये मेरा पहले पोल्ट्री फार्म ही था जी जी। लेकिन उसके बाद इसकी ऑल्ट्रेशन उस हिसाब से करी गई थी ऊपर नीचे, जो भी आपको आगे सारी एक बार मैं दिखाऊंगा जी जी जी। कि पोल्ट्री फार्म क्या होता है, ओपन शेड्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी सारी ऑल्टर उसी हिसाब से बाद में दोबारा करी गई थी अकॉर्डिंग टू कैनल गाइडलाइंस जी जी। मेरा हर केज जैसे 9/6 है, केज चले केज भी देखते हैं अमेरिकन कैनल क्लब के हिसाब से जो है 9/6 का एक केज होना चाहिए। अच्छा, और आपको बहुत एक स्पेशल चीज दिखेगी मेरे कैनल में, हो सकता है एक बार भोंके, लेकिन मेरे कैनल के डॉग आपको हर कैनल विजिट के अलावा आपको मेरे डॉग शांत दिखेंगे जी जी। बहुत शांत दिखेंगे। एक बार आप अभी अननोन हो तो शायद एक बार सब भोंके वो हो, एक्साइट हो, लेकिन उसके बाद सब शांत होके बैठ जाएंगे और ये चीज आपको बहुत लिमिटेड कैनल्स में दिखेगी जी जी। मतलब डिसिप्लिन पूरा है जी। हाँ, कोशिश रहती है जी 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 जी। दोस्तों यहाँ पे है बीगल और काफी प्यारे बीगल हैं यहाँ पे। ये मेरी अपनी इम्पोर्ट इम्पोर्ट ऑस्ट्रेलियन इम्पोर्ट वन ऑफ द बेस्ट बीगल इन इंडिया राइट नाउ, पैडी के बच्चे हैं ये। अच्छा अच्छा, ये मेरी खुद की प्रोजेनी है, मतलब खुद रिटेन करे हुए इनके मदर मेरे पास। और लैब्रा यहाँ पे मैं देखता हूँ काफी प्यारे लैब्रा हैं ये, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। ये होपो एक डॉग है, वन ऑफ द बेस्ट डॉग इन इंडिया जो मुझे पसंद है जी। ये उसका बेटा है, 9 मंथ्स ओल्ड है, ये भी खुद मेरी ब्रीडिंग है, ये उसकी दोनों सिस्टर्स हैं। और मतलब दीज आर ओरिजिनल लैब्राडोर जो मुझे पसंद है, जो ब्रीड स्टैंडर्ड है जी। आजकल आपने देख लिए होंगे वो बड़े छोटे इंग्लिश लैब्राडोर और कुछ कुछ बोलने वाले, मतलब दे आर नॉट, मतलब वो ब्रीड स्टैंडर्ड डॉग्स नहीं है जी जी। ये डिसिप्लिन वर्किंग डॉग्स हैं, वर्किंग लैब्राडोर्स हैं, जिनके लिए इनको बनाया गया था बेसिकली। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अपने खुद के कैनल में जाता हूं तो मेरे डॉग्स मेरे पे खुद पे भौंकते हैं, मैं पहली बार जाता हूं ठीक है। अभी भैया के साथ अंदर आया हूं, किसी भी डॉग ने एक बार भी मेरे पे भौंका नहीं है। काफी अच्छा है डिसिप्लिन उन्होंने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है डॉग्स का। ये डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन के ज्यादा है डॉग की खुशी,
और डॉग कितना खुश रहता है, कितनी उसके पास स्पेस है। ज्यादातर जगहों में क्या होता है, आपने इतनी सी जगह के अंदर एक फुट दो फुट के अंदर दो दो डॉग रह रहे हैं, वो इतने ज्यादा वो अग्रेसिव नहीं होते, वो अग्रेशन नहीं दिखाते बेचारे, वो परेशान इतने होते हैं, दे नीड स्पेस। मेरे पास यहाँ बाहर खेलने की भी जगह है, यहाँ मेरे पास सारे डॉग्स खुले सुबह और शाम को इकट्ठे घूमते हैं और इसीलिए वो मतलब अब ये चाहे आप थके हुए या खुश कह लो कि वो है तो उनको ज्यादा मेरे कुत्तों को भौंकने की आदतें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है ब्लैक जर्मन शेफर्ड, ये वही पोलैंड इंपोर्ट फीमेल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्लैक शेफर्ड। जी जी। ए लैला 35 डेज मेटेड है। जी जी। प्रेगनेंसी लग रही है इसकी। ये मेरी गोल्डन रिट्रीवर है, ब्लू की डॉटर है और ये मेरी लास्ट गोल्डन रिट्रीवर की ब्रीडिंग है। अच्छा। ये मेरी अपनी ही फीमेल है ब्रीडिंग की। अच्छा, आपकी अपनी? हाँ, ये मेरी खुद ब्रीड करी हुई है, इसके बाद मैंने गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड करने बंद कर दिए। ये कुछ मेरी आइकन्स है, रॉटवाइलर फीमेल है, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट और पुरानी ब्रीडिंग डॉबरमैन। डॉबरमैन है, काफी सुंदर है। और हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लड है, हैनन इनटू एरिक है ये। जी, इसकी जी, मदर, इसकी ग्रैंड मदर और इसका ग्रैंडफादर मेरे पास था। 2012 के अंदर डीडोज हैनन के नाम से एक डॉग ब्रीड किया था मैंने। जी जी। वो पपी ऑफ द ईयर बना था डॉबरमैन। ये उसी की जनरेशन आज तक मेरे पास है। प्योर अमेरिकन पिंचर डॉबरमैन है, एटीट्यूड आप देख सकते हैं इस बच्ची का भी बैठे हुए। तो ये मेरा लव है रॉटवाइलर्स, जो मेरे पास सबसे ज्यादा इंपोर्ट और जिन्होंने बहुत थोड़े टाइम में मेरा सबसे ज्यादा नाम बनाया बेसिकली। जी जी। मैं देख रहा था आपके पास काफी सारे ट्रॉफीज भी रखी है आपके ऑफिस में, मैं अभी दिखाऊंगा। रॉटवाइलर्स की ज्यादा है? हाँ, उनमें से सबसे ज्यादा विनिंग रॉटवाइलर्स है। जी जी। और ये एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ट्रू लव जिसको बोलते हैं कि डॉग्स को प्यार। और ये जी, ये जी, मेरा डॉग है जर्मन शेफर्ड सुल्तान स्टॉक कोट। जी। इसकी एज है 11 साल। अच्छा, 11 साल का? ये 11 साल का, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। जी, और जी, अगर किसी को डाउट हो, कोई कहे झूठ है या ये है, आए मैं इसके पेपर इसके जेनेटिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने इन्हें। ये मेंटेन अपने आप नहीं होते, इनको सिर्फ प्यार चाहिए, आप खाना हल्का दे दोगे चल जाएगा। अच्छा। लेकिन जब तक आपके डॉग को अटेंशन नहीं होगी, गर्मी का टाइम है अभी, आप आए हैं तो आपको दिख भी रहा होगा मेरा कोई डॉग अभी कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है, वरना मेरा वैसे कैनल एसी है, सेंट्रली वेंटिलेटेड है, लेकिन अभी कुछ नहीं चल रहा, तब भी ये सब डॉग खुश है। 11 साल के अंदर आप इसकी कोट कंडीशन और इसकी हेल्थ, इसका बोन स्ट्रक्चर इवन, वरना इतने टाइम में शेफर्ड्स की टांगे टेढ़ी हो जाती है। जी जी, काफी आप वो भी देख सकते हैं। ये एक मेरा इम्पोर्ट है, जेंटल जेंट जी बॉन्ड ऑफ सनी हिल्स। ये एक बड़ा डॉग है, ये 69 सेंटीमीटर राइट नाउ। जी जी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डॉग जगुआर ऑफ सनी हिल्स का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर्बिया इंपोर्ट है, बॉन्ड, गुड बॉय। ये ले, आप इसका साइज स्ट्रक्चर देख सकते हो। जी जी। और उसके बाद ये एक डॉबरमैन की फीमेल है, वही उसी की एक बच्ची मैंने इस बार रिटेन करी है। अच्छा। ये इस बार सिर्फ 2-3 बार शो करी थी और ये माइनर पपी के अंदर हमेशा इसने क्लास विन करी है अपनी। जी जी जी। और फिर ये मेरा स्टार बॉय, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा जिताया, सबसे ज्यादा एक ब्रीडर का सबसे बड़ा सपना होता है बेस्टिंग शो लेना। जी। और इसने मुझे कई बेस्टिंग शो एक ही सीजन में लेके दिए। जी जी जी। वन ऑफ द बेस्ट मूवर, अभी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा। जी। और फिर इसके अंदर ये मेरे वेल्पिंग केजेस हैं। ये कवर क्यों कर रखे हैं आपने? जब मेरी कोई फीमेल मेट हो जाती है, उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने के लिए और उसे ज्यादा लोगों के टच में ना आने, क्योंकि ओपन वायरसेस बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो फीमेल मेट होने के बाद टिल प्रेगनेंसी एज वेल्पिंग रूम में जाने से पहले वो फीमेल्स यहाँ इसके अंदर ढकी रहती हैं। अच्छा अच्छा। इसके मतलब अंदर अभी इसको देख के भौंके भी ना, मतलब कोई ज्यादा भौंके ना, ज्यादा एक्साइट ना हो, वरना ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, उनकी जगह कंजेस्टेड कर देंगे। जगह कंजेस्टेड करने की जरूरत नहीं, आप उनको ऐसे ढक सकते हो ताकि वो देखे ना। जी। आपका मेन पर्पस यही है कि वो उछल कूद ना करें। जी जी। अगर वो नए लोगों को नहीं दिखेंगे और वो नहीं होगा तो वो उछल कूद नहीं करेंगे। आप किसी की जगह कम करने की बजाय, खाना कम करने की बजाय, उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट एक कर लीजिए। जी जी। अच्छा कुणाल भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे आपने मल्टीपल ब्रीड रखी हुई है, लेकिन आपका जो मेन जो शौक है रॉटवाइलर्स का अभी। हाँ, ज्यादा मेरे को लगा। ठीक। हाँ, है ना, मेरा है ही। तो आपने एक ब्रीड पे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो जनता है, हमारी कमेंट करती है कि सिंगल ब्रीड के जो कैनल होते हैं उनका काफी अच्छा। ठीक, आपके व्यूअर्स इस बारे में बात करते हैं, लेकिन हर किसी की एक नेसेसिटी होती है। आप एक बात को समझो, रॉटवाइलर्स
मेरी पसंद है, मैं उनको बहुत मतलब आई लव रॉटवाइलर्स एक्चुअली, यही सबसे ज्यादा ब्रीड करता हूँ, इन्हीं को शो करता हूँ, वरना मेरे पास शो पेडिग्री के ही सारे बीगल्स हैं। लेकिन एज पर मार्केट, एज पर कस्टमर एक्विजिशन, हम लोगों को दूसरी ब्रीड्स भी साथ रखनी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से, और मतलब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपको दिखे कि बहुत वास्ट ब्रीड्स हैं कि मैंने शिह ट्ज़ू भी हैं, 5-10 ब्रीड्स रखी हैं, कैटेगरीज हैं मतलब 3-4। हाँ, मेरे पास सिर्फ आपको टॉय ब्रीड के अंदर सिर्फ बीगल मिलेगा जी। बड़ी ब्रीड्स के अंदर रॉट, जर्मन शेफर्ड और लैब जी। मेरे पास इसके अलावा एक ब्रीड नहीं होती, मेरे पास एक थाई इम्पोर्ट साइबेरियन हस्की है, वो डॉग मेरा स्टड डॉग है, मुझे बहुत पसंद था, शुरू से मेरे साथ रहा हो। बाकी आप देख सकते हैं ये हर डॉग के पास अपना अकेला फैन है, फैन है, और यहाँ एसी भी लगा रखे हैं आपने। हाँ, ये 5 एसी है यहाँ पे, 5 एसी लगे हुए हैं, 7 एग्जॉस्ट फैन है 9 इंचेस, 18 इंचेस, ये सारी जेड वेंटिलेशन है अगर आप देखें, जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन होती है जिसको हम जेड वेंटिलेशन बोलते हैं, कि जहाँ से एक तरह से हवा आती है और दूसरी तरह से खींच के लेके जाती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, पपीज अवेलेबल है आपके पास? हाँ, मैं अभी आपको अपने डेम्बो के और एक मेरी बहुत सुंदर फीमेल है ईवा जी जी, बहुत एक विनिंग डॉग है, आपने ही उनका शूट किया हुआ है, मनोज यादव उनकी ब्रीडिंग की फीमेल है, उन्होंने मुझे दी थी वो जी जी, और उस ब्रीडिंग के साथ एक बहुत सुंदर बच्चे मेरे पास अवेलेबल है जी। आपको मैं आपकी लैब की प्रोजेनी भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा कुणाल भाई, एक चीज और बताओ, इतने डॉग्स हैं, एसी भी चलते हैं, हालांकि मौसम ठंडा है, अभी जरूरत नहीं है, कूलर्स भी चलते हैं, तो खर्चा भी काफी अच्छा रहता होगा। 1.5 लाख रुपए से ऊपर का हर महीने, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था आई एम नॉट सो प्रॉफिटेबल इन बिजनेस, इस बिजनेस में मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ये मेरा शौक है। आपने कहा था जैसे शौक से शुरू किया था, आज भी बहुत ज्यादा शौक है मुझे डॉग्स का, प्यार करता हूँ, अच्छा लगता है लोगों से मिलना डॉग शोज के अंदर, अच्छे क्लाइंट्स को मिलना। हमने आपको दिसंबर में भी अप्रोच किया था इस वीडियो के लिए, और आज मार्च है, ठीक है, काफी टाइम हो गया इस चीज को, तो आपने बताया था कुछ मेडिकल कंडीशन चल रही थी आपकी, थोड़ा वाक्य थोड़ा सा शेयर कीजिए। वो एक्चुअली क्या था, जब आपका कॉल आया था 10 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को आई वॉज डायग्नोज विद थ्रॉट कैंसर, सर्जरी हुई थी थ्रॉट कैंसर की। अच्छा, और उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई 10 दिसंबर को राजीव गांधी के अंदर, और इसी बात से एक बात आपको वो बताता हूँ कि मेरे ये डॉग्स का बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक बीमारी थी जब जिसमें डॉक्टर्स हमेशा एक ही बात बोला करते थे कि आपको विल ज़्यादा चाहिए, बीमारी इलाज से ज्यादा विल पावर होनी चाहिए, विल पावर, और विल पावर लेके आने वाले मेरे डॉग्स ही थे। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब आई कैन प्रूव दिस थिंग, 10 दिसंबर को मेरी सर्जरी हुई थी और 14 को मैं डिस्चार्ज हुआ था, और ये कोट को पूरा डॉग शो की बेस्टिंग शो की ट्रॉफी है, ये 17 तारीख का शो था, 17 दिसंबर का जी। और दिस वॉज द ओनली शो की जो मैंने मिस किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक ही 24 दिसंबर का फिर शो था अमृतसर के अंदर जी। ये कितनी क्यूरोसिटी, इतना प्यार और इतना डॉग्स के साथ अटैचमेंट थी कि इन्होंने मुझे 13 दिन के अंदर मजबूर कर दिया खड़े होने के लिए, और इतनी ज्यादा विल पावर आई। हॉस्पिटल में भी काउंसलिंग क्लासेस जब होती थी तो मेरे डॉक्टर्स बहुत खुश थे कि आप बहुत हैप्पी रहते हो और बहुत ये है, और उसको मतलब इवन मैंने अपने साथ वालों को भी बात बताई कि अगर आपके घर में डॉग है, अगर आप डॉग, एक बहुत लोग कहते थे ना कि घर में डॉग हो तो स्ट्रेस पावर कम हो जाता है, मैं उसका एक लिविंग एग्जांपल हूं आप सब लोगों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, आप हमारे सामने खड़े हैं। हाँ, तो इसके पीछे आपका शौक, आपका प्यार है। हाँ, मेरे डॉग्स है, मेरा प्यार है, मेरा शौक है जी 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 जी। बहुत एक अच्छी चीज भैया ने बताई है, इतना अच्छा अपना वैसे पर्सनल मैटर था इन्होंने शेयर किया है। अच्छा कुणाल भाई, एक आखिरी चीज, आपने बताया इतना खर्चा है, 1.5 लाख रुपए खर्चा महीने का यहाँ पे है, तो इस खर्चे को ये डॉग्स निकाल पा रहे हैं, थोड़ा इस बारे में पूछूंगा, प्रॉफिट्स कैसे रहते हैं? मतलब मैंने पहले भी बताया आई एम नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग पर्सन इन दिस बिजनेस, मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ, लेकिन 1.5 लाख रुपए ये खर्चा है। उसके बाद जो मेन शो सीजन का खर्चा होता है, हम लोगों को हर शो के लिए, अगर हम लोग लोकल शो मतलब पंजाब भी 150 किलोमीटर भी ट्रैवल करते हैं
तो 15 से 20 हजार रुपए खर्चा आता आराम से आता है। तो आप ऑनलाइन एवरेज खर्चा मान के चलो, हमारे को पूरे डॉग शो सीजन का जो खर्चा आ जाता है, जैसे अब आप देखो मैंने लखनऊ में डॉग शो किए हैं, ये अहमदाबाद की ट्रॉफी है, अहमदाबाद शो किए हैं, मद्रास में शो किए हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्रॉबेबली चारों तरफ ही शो कर चुका हूँ मैं, तो वो सब खर्चा मिला के 8-9 लाख रुपए है जी। जी वो खर्चे नहीं निकलते, लेकिन वो एक शौक है और मुझे पता है कि मेरे पास क्या चीज है, मुझे वो चीज़ लोगों को दिखानी थी। वो डेम्बो था जिसने एक वेस्टर्न शो की जो तमन्ना होती है पूरी जिंदगी की, एक ब्रीडर की एक वेस्टर्न शो मिल जाए जी, इस डॉग ने मुझे 1 साल में 7 वेस्टर्न शोज लेके दे दिए। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में कुणाल चोपड़ा भाई, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपना केरल का टूर भी करके दिखाया हमें, अपना टाइम दिया। मैं आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।